के मानने वाले, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी तो हम धार्मिक हो ही नहीं। हमें दूसरे के धर्मों के रीति रिवाज, दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे पहले करना सीखना चाहिए, तभी एकता भाईचारा सीखा। अगर इनका तो क्या चाहिए, देश की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी इंसान आपस में बराबर हैं, धार्मिक स्तर पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और दूसरे धर्म की लोगों की भावनाओं का सम्मान पूरी तरह करना चाहिए, उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। अगर ये टॉलरेंस अगर हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे पुजारी जी हैं ये हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, इनको हमें गले लगाने में कतई भी संकोच नहीं होना चाहिए और इनको हमें भी संकोच नहीं होना चाहिए। अगर ये भावना बलवान होगी तभी देश में शांति और भाईचारा पैदा होगा। भाई सब पीछे हटे लिए इसी तरह से देश में शांति में भाईचारा पैदा होगा। देश में शांति और भाईचारा तभी संभव है जब हम दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ये सोचकर ये हिंदू नहीं है, ये सिख नहीं है, ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, बल्कि हम सब इंसान हैं। क्योंकि अगर धार्मिक हिसाब से अगर मनुष्य रूपा को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना पिता माता मानते हैं, तो हम सब भाई भाई पुत्र से। अगर मुसलमान आदम हब्बा को मानते हैं अपना पूर्वज, अपना पिता और माता, तो उस रिश्ते से हम सब भाई भाई। ईसाई एडम और ईव को मानते हैं तो उस रिश्ते से हम सब भाई भाई। हम लोगों की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है और हम सबका एक ही मालिक है, हम सब आपस में भाई भाई। ये संदेश अगर जाएगा तो एकता भाईचारा जरूर, नफरत के सौदागरों के बहकावे में नहीं आना है। चाहे कोई लड़ाने की आपस में जितनी भी कोशिश करे, धार्मिक भेदभाव उत्पन्न करे, हमें बिल्कुल भी उनके बहकावे में नहीं आना है। उनको आप बेनकाब करना है और उनके नापाक इरादों को नाकामयाब करना है। आप क्या कहना चाहेंगे धर्मों के ऊपर? धर्म में हम सब एक है, आपको क्या लगता है पंडित जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में भाईचारा किस तरह से बन सकता है? सब एक रहे, सब कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, सम्मान करें, सम्मान करें, छोटे बड़े